वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरप्रीत सिंह हरी नाम का जिहड़ा कतल किया गया सी अणपछाते व्यक्तियों वालों, उस कतल केस के जिहड़े खुलासे ने उहदे अपने परिवार वालों किए गए ने मीडिया सामने आके, तो उन्होंने परिवार का यह कहना है कि साढ़े बेटे गुरप्रीत का कतल अमृतपाल के बंदिया ने किया है। इहदा मतलब यह है कि अमृतपाल ने यह कतल करवाया, क्योंकि परिवार यह कह रहा है कि सानू घरे आके धमकाया जाता सी, साढ़े मुंडे गुरप्रीत को धमकियां दित्तियां जांदियां सी कि तू चुप कर बहुता बोलना, जाने कि यह शरेआम गुंडागर्दी अमृतपाल ने की है। डिब्रूगढ़ जेल के बैठे हुए ने, उन्हें अपने शूटरां दे कोलों अपने बंदियां दे कोलों गुरप्रीत हरी नाम का कतल करवा दिता है, इस कोई दो रामा नहीं। मैं इत्थे एक बेनती करनी है, जिहड़ा बंदा पंजाब दे विच शरेआम घूमदा सी असला लैके, उहदे नाल मंडीर हुंदी सी, शरेआम मोटर तेल जाके किसी मुंडे नूं कुट देना, किडनैप करना, तो उहनूं उदों खुल मिल गई सी, तो हुण तां जेल विच बैठा है। जेल दे विच जिहड़ियां तारां ने उह गैंगस्टरां दे नाल अतवादियां दे नाल आईएसआई दे नाल जुड़दियां ने, इस कोई दो रामा नहीं। खास करके जदों साढ़े पंजाब दे लोग किसी आम मनुख नू हीरो बना के अपने सिर ते बहाउंदे ने उदों बिल्कुल सोचते नहीं। हुण जिहड़े खुलासे किए गए ने किसी आम बंदे ने नहीं किते, उस परिवार ने किते ने जिहड़े जिहदे जिस परिवार का पुत ये दुनिया ते नहीं रहा, गुरप्रीत सिंह हरीनो। ते जे किते प्रशासन थोड़ी जी कड़ाई करे, सख्ताई बरते, तां अमृतपाल नूं घट्टो घट रिमांड ते लै के, वैसे रिमांड ते लैना कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं, पर यह पुख्ता सबूत ने परिवार वल्लों, जिहड़े परिवार ने खुलासे कीते ने कि साडा पुत अमृतपाल दे बंदिया ने मारिया, अमृतपाल ने मरवाया, ये तो भावे है। हुण ढिल नहीं वरतनी चाहीदी, अमृतपाल ने पहला भी कोई कसर नहीं छड़ी, इत्थे नौजवानों नूं गुमराह किया लॉलीपॉप देख के, अमृत छकाउण वास्ते, नशा छडाउण वास्ते, ते आप MP बन के बह गया। ये गुंडे लोग ने जिहड़ा भिंडरां वाले वेले अतवाद का दौर चलिया सी ना, ये उही दौर है। जे नथ पाउणियां ने गुंडागर्दी नूं, बस छोटा जिहा काम करन दी लोड़ है कि अमृतपाल नूं शरेआम फांसी ते लटकाया जाए, मौत दी सजा दित्ती जाए, पता लगे कि जेल विच बह के किसी का पुत किदां मरवाईदा। इत्थे मैं एक होर बेनती करनी है, ये होया क्यों तुहानूं पता होना चाहीदा है। एक बघेला जिहड़ा कतीड़ अमेरिका विच बैठा है, उहने एक लिस्ट जारी की है कि पंजाब दे विच जिहड़े अमृतपाल के विरोधी ने वो घट्टो घट 25-30 बंदे मारने ने, जिमें गुरप्रीत सिंह हरी नाम की तो शुरुआत कर दी, उदू गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिता। वो एक कुलजीत सिंह निहंग हैगा, वह नाम भी आता है, ढाडी मान सिंह का नाम भी आता है, तलविंदर सिंह तलवाड़ा का नाम भी आता है, तो होर जिमें भगत सिंह दुआबी है वह नाम भी आता है। तो कल मैं किसी सिर ने फोन किया, वो मेरा नाम भी आता है, जी लिस्ट जारी की है ना कि जेडे अमृतपाल के विरोधी ने वह 25-30 बंदे मारने ने, उहदे विच मेरा नाम जाने कि ज्ञानी बूटा सिंह का नाम भी आता कि उन्होंने भी असी मारांगे। पर मैं बेनती कर दिना, जे तुसीं गुंडागर्दी रोकनी है ना, तो जरूरी है अमृतपाल नूं फांसी ते लटकाउणा, नहीं ये गुंडागर्दी वधदी जाओ। बाकी रही मेरी गल, मैं अज तक ना डरिया ते ना डरदे आ ते ना डरना, ये तो भुल जाओ मित्रों, जिन्ना चिर रवांगे ना तुहाडी गुंडागर्दी दीआं जड़ां पट के छड्डांगे। ते नाल मैं एक प्रशासन नूं बेनती करदा कि अमृतपाल दे परिवार नूं भी अरैसट किया जाए, उहदे कोल पुछ गिछ होनी चाहीदी है, क्योंकि अमृतपाल का परिवार बिल्कुल जिहड़ा गुरप्रीत सिंह का मर्डर होया उहदे ते बोलिया नहीं, ना इहदी जथेबंदी दे बंदे बोलिया, इह सिद्धे तौर ते परिवार वल्लों खुलासे किए गए ने कि अमृतपाल ने जेल विच बैठिया होया साडे पुत नूं मरवाया। तो प्रशासन को बेनती है कि इन्हां लोगों को जे नथ पाउणी है ना
इन्हां सब तो बड़ा जिहड़ा मास्टरमाइंड है वह अमृतपाल है जो डिब्रूगढ़ जेल के बैठा है। इनू घट्टो घट फांसी ते लटकाया जाए, इदों छोटी सज़ा होनी नहीं चाहिए यहोजियां कतीड़ा खातर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।